देखो हुण एक गल इमरान खान कहिंदे मुझे वोट दो ते शेर आंदा मैनू दो ते सानू असी पानी मांगणे आ सानू पानी भी नहीं देंदे असी पानी दे बिजली बहाल साडा वोट बंद है असी ते उहनां नूं सारी जो मोहल्ले की खवातीन है इतनी परेशान है, इतनी परेशान है कि शोर मचाती तड़पती अपने घरों से बाहर आ गई है कि शायद इस माइक के जरिए इदारों तक इनकी आवाज पहुंचाए और इस लाहौर न्यूज के तवस्त से, टॉप स्टोरी के तवस्त से इनकी आवाज, इनकी परेशानी हुक्मरानों तक पहुंच जाए, इदारों के अफसरान तक पहुंच जाए कि ये लोग इतनी गर्मी में किस तरह से गुजारा करें कि तरक्याती काम शुरू हुए पानी बंद कर दिया, तरक्याती काम भी रुक गए और निजामे जिंदगी भी बुरी तरह से मुतासिर होकर रह गया है। आपा पानी दी मेरी गाल सुन, जो दो दिन चढ़दा 70 बारी मोटर खोल दे, एक कतरा पानी दा नहीं आउंदा। कदी मैं नन्नी मेरी भतीजी मैं ओदे घर जानी, मैनू वजू नहीं करन दिंदी, आंदी पानी है नहीं, फिर मैं अबे घर जानी हाँ कि आपके भरा घरों मैं वजू कर जावा, फिर मैं उत्थे वजू कोई नहीं कर दिता, फिर मैं तड़फदी फिरदी कि मेरी नमाज कदा हो रही है, मैं किधर जावा, मैं नमाज नहीं कभी कदा की, मैनू अल्लाह का करम है। तेरे ये गल जो कुछ साढ़े महल चो हो रहा ना पानी तो, उन्होंने जिंदा नहीं रहना जेड़े सानू बुजुर्गों सता रहे हैं ना नहाने लई पानी। अज मैं किसी के घर कपड़िया के सने नाथी हाँ कि अज जुमा मैं जरूरी नहाना, तो उन्होंने भला हो जिन्होंने मैनू नहा के कहा भी चल जा नमाज पढ़ जाके। ये हाल साडा गौरमेंट ने करता, 1,00,000 वोट इस महल चो लेंदे, ते नहीं कहिंदे कि इन्हां नूं पानी कम से कम दे दे, असीं पानी मंगदे पैसे ते नहीं मंगदे, या को सानूं लालच है किसे गल दा। पैप पुआ के इन्हां ने पानी बंद कीता, ओह वी ते कारवाई करना, पैप पुआए ने कादे लई पुआए ने, जे पानी बहाल सी पैप पुआण दी कोई जरूरत सी, पैप पुआण दी पानी आउंदा सी सारा महला खुश सी। चल के मेरी धी तू साडे अंदर जा, फिर तैनूं यकीन आएगा कि असीं तैनूं की कह रहे हां, कि जो असीं गल ते कर ही रहे हां ते तू मेरी धी सुन रही हां, सिर्फ साडे घर दा हाल चल के वेख ला कि हाल की है, इंज साडा मंदा हाल इन्हां ने ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਵੀ ਮਰ ਜਾਈਏ। ਅਗਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਇੰਨੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਉੱਤੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲੋ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਡਾਊਨ ਹੈ, ਉੱਤੋਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਾਡਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਜੋ ਹਮ ਲੋਗੋ ਕਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਪ ਲੈ ਕਿਸ ਲਈ ਦਵਾ, ਜੇ ਪਾਣੀ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਪੈਪ ਕੋ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਬਾਗ ਲੈ ਕੇ ਇਤਨਾ ਤੇ ਕਰੀਏ ਕੀ, ਉਧਰੋਂ ਲੈਟ ਜਾਂਦੀ ਉਧਰੋਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਪਈ। ਜਦ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਪਾਇਆ ਦਰਬਾਰ ਹੈਗਾ, ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਜਗ੍ਹਾ ਪਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਲਵਾ ਲਓ। ਇਹ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ PTI ਲੈਣ ਤਕਰੀਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਕੋਲ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਇਹ ਜੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਖੁਲਵੋ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹੀ ਪੈਪਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾ ਕੇ ਕਟਾਈਆਂ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਚਲੇ ਗਏ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਕਿਤਨਾ ਕਿਤਨਾ ਕਿਤਨੀ ਦੇਰ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਚੁੱਪ ਕਰ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਾ ਆਵਾਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਆਵਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਨਾ ਪਾਣੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਕ, ਨਾ ਕੋਈ ਰੋਟੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਫ੍ਰੀ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਨਬੀ ਦੇ ਸਦਕੇ ਨਾਲ ਫ੍ਰੀ ਵੋਟਾਂ ਦੇਣੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗਲੀ 'ਚ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਦੇ ਦੇ, ਵਜ਼ੀਰ ਕੁਛ ਦੇ ਦੇ। ਹਾਵੇ ਜੋ ਸਾਡਾ, ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਦਿਲ ਦੀ ਮਰੀਜ਼ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਤੁਰਦ ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਬੋਤਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਦਾ, ਕਦੀ ਮੈਂ ਕਿਧਰੇ 2 ਬੋਤਲਾਂ ਲੈਣ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਕਦੀ ਮੈਂ ਕਿਧਰੇ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਗਈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਗਿੱਟੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੁਖਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਨਾ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਹਮਾਰੇ ਬਿੱਲ ਦੇਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਮ ਘੜੀ ਘੜੀ ਮੋਟਰ ਲਗਾਤੇ ਬਿੱਲ ਤੇ ਤਾਂ ਬੜੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹਮ ਲੋਕ, ਕਿ ਹਮ ਮਰ ਰਹੇ ਹੋਂਗੇ ਵੈਸੇ। पापा मुझे बताइए कि कितने महीने हो गए हैं ये पानी का मसला, वजह 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 ये पाइप लाइन जो इन्होंने डलवाई ना गटर के पाइप, ओ साडे पानी तो पानी बंद हो गया, पानी खत्म कर लिया उन्होंने, पाइप पाए ने तोड़ के हमारे ना वो हमारे सड़क, हाँ क्या हो गया, वो कुछ नहीं होता बेटा। मैं आपको, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारी गलियां अच्छी भली होती हैं, आके तोड़ देते हैं फिर चले जाते हैं, उसके बाद फिर पानी नहीं आ रहा, कुछ नहीं हो रहा, कभी ये नहीं हो रहा, कभी वो नहीं हो रहा, ऐसे ही हो रहा है, गंदा पानी आता है। अब हम क्या करें, हुकूमत हमारे लिए कुछ भी नहीं कर रही, हुकूमत हमारे लिए कुछ भी नहीं कर रही, सिर्फ उन्हें अपने फड्डों का बस उन्हें पता है कि हम ये कर दें और हम वो कर दें, आवाम का उन्हें क्या पता। इमरान खान जे तू इस इलाके चो वोटां लवी आके, जेडे तू टीवी ते उसको मार मार के बुरा हाल कर देना, मैं किसी को वोट नहीं देना, पूरे इलाके ने वोट नहीं देना, क्योंकि हमारा बहुत बुरा हाल है, तंगी हम झेल रहे हैं, इनको नहीं पता, बिल भी हम देते हैं,
गर्मी में तो पानी ना हो तो जरा देर नहीं गुजरती। आप लाइट नहीं है, कोई मर जाए तो उसे नहलाने के लिए पानी नहीं है, इससे बड़ा कोई मर जाए ना तो यकीन मानो उसे कहना है कि पहले बता हमें तूने मरना है तो मस्जिद से पानी लेकर मस्जिद में भी ताले डाल देते हैं। बच्चियां पानी लेने जा सकती हैं, ये बाहर ये देखें, ये बच्चे बाहर जाने वाले हैं, फिर ये भर के आपको अपने बोतल और बर्तन भी खाने हैं। मैं आज देख के जाऊंगी आपा, मैं देख के जाऊंगी सब घरों के मसाले दिखाऊंगी, फिर आपको यकीन हो जाएगा। मैं देख ये बात सच है, आप तो हमारी बेटी, हम तो खुश हो के आपको तो हम कुछ भी नहीं कहते। आइए जी आइए दिखाइए जी, बर्तन धोने वाले बड़े, रात के दिन के बर्तन, रात के बर्तन। कामरान भाई दिखा दीजिए जरा, इनके बर्तन दिखा दीजिए। कपड़े धोने वाले पड़े हुए, नहाए नहीं अभी तक, मुंह नहीं धोए अभी तक। ये देखे बालों का हाल क्या हुआ, हमारा हाल देखे, बैठे हुए पानी के बगैर। इनको शर्म नहीं आती, इन लोगों को बिल हर महीने भेज देते हैं, बिल भेज देते हैं। वोट लेने ने वोट ले लिया कि इन्हों हड्डियां नचोड़नियां ने, नचोड़ के इन्हों का खून भी नहीं छड़ना इन्हों। ये नहीं पता लगता जेड़े घर लोग ने किधर जान। अगे वेखो तुसी जिथे जे कि खड्डा बंद हुंदा ना, मैं रो लव बह के। ए वेखो हुण एक गल, इमरान खान कहते मुझे वोट दो, शेर आंदा मैनू दो, सानू असी पानी मांगने, सानू पानी भी नहीं देंदे, पानी दे बिजली बहाल, साडा वोट बंद है, असी तो उन्हां नू दे देवांगे जिदन साडे घर आए पानी लिया दी सुको ही तैयार खवा दे। मैं समझ रही हूँ कि आप कितनी परेशान है कि पानी पानी। इधर वेखो बिल इन्ने निकल आउंदे, जे असी किराएदार लोग गरीब पता नहीं किवें लोगों के घर बर्तन धो तू आके करने, अगलिया ने जरा बिल है मालिक अगले मांगते ना पिट्टा डके हो जाने, एक घट कर फिर इन्हें फिर मेरे मुंह गाला निकल डिगिया जब बड़िया जीब जीब यूनिट कोई हालात है जिन्हें तनखा मतलब जाके मरन। लोगों ने बुरा हाल कर दिया है, पानी का एक कतरा भी नहीं है हमारे किसी घर में, ये 20 घरों में पानी नहीं है, बत्ती कौन नहीं पानी कौन नहीं। ये तो कोई गलत गल है, जे इन्हों साडे कोल चीजा चाहिए तो सानू भी इन्होंने सहूलत चाहिए। आवाज आ रही उन्होंने तक बुनियादी जरूरत, पाइपलाइन दिलवाइए हमारे लिए दिलवाइए पाइपलाइन, अगर तुम कुछ करना है पानी हल करो। दो पैसे पाइपलाइन का क्या करना है, गटर के पाइप पाए ने कहा गटर के पाइप पे सूखे रहेंगे पानी नहीं आएगा, पैसा नहीं लगा, गटर तो तभी मुहैया होंगे ना जब पानी आएगा। चलिए जी एक और भाई परेशान, क्या हाल परेशानी, इतनी परेशानी है बेटा कि हम आपको बता नहीं सकते। दो हफ्ते से हम पानी बाहर से भर के ला रहे हैं पूरे मोहल्ले से, हम गरीब लोग हैं, हमको लैंडलॉर्ड तो है नहीं बेटा, असी बच्चा वाले असी की करिए किथे मंगन जाइए, खुदकशी करन लगी खुदकशी मला मर मर के मारता। बात ये कि इनको आइडिया नहीं है, पानी जो है ना 1400 साल से बंद है, इनको अब पता चला है ये हुआ है। रह पता नहीं कैसे रहे हैं, फंसे हुए हैं, जो इर्द गिर्द हालात है ना वो कुछ और हैं। हम तो पानी का रोना रो रहे हैं, और भी बड़े रोने हैं, और भी काफ़ी रोने हैं। जो हम नहीं रो सकते, जैसे हम इधर रह रहे हैं ना, जैसी बर्दाश्त से रह रहे हैं, और पानी और दबे जी। पहले भी आप आई थी, कुछ नहीं हुआ, अभी आप फिर आ गई हैं 2-1.5 महीने के बाद, क्या हुआ? पानी आ रहा था। मेरी बात सुनिए भाई साहब, मेरा काम है आपकी आवाज उठाना, ठीक है? मैं दोबारा यहाँ पर इसीलिए मौजूद हूँ कि आप लोग परेशान हैं, ठीक है? तो अब क्या करें, परेशान तो आपके सामने परेशानी है, आपके सामने तो थोड़ा सा ये सर्वे करके ना हालात ठीक करवा दें या सफाई करवा दें। हम तो प्रोग्राम इसी मकसद के लिए करते हैं कि इदारों तक आवाज़ पहुंचे, कोई जाग जाए, कोई देख ले आवाम किस परेशानी में है, कोई जान ले कि आवाम के घरों में पानी नहीं आ रहा, और इस गर्मी के मौसम में पानी नहीं आ रहा कि जब चंद घंटे पानी के बगैर नहीं गुजारे जा सकते, और यहाँ पर कई कई दिन 15-15 दिन से लोगों के घरों में पानी नहीं है। 3 महीने पहले मेगा प्रोजेक्ट जो मुख्तलिफ शहर में हो रहे थे उन पे तो काम सुस्त रवि का शिकार हुआ, फिर रुका, लेकिन जो गली मोहल्लों के काम रुक गए उनकी वजह से जिंदगियाँ लोगों की अजीरन होकर रह गई हैं कि ना बर्तन धोने को, ना खाना पकाने को, ना पीने को, किसी चीज़ के लिए
पानी नहीं है और कोई सुनने को तैयार नहीं है कि आखिर इस इलाके के मसाइल हैं क्या और उनको हल भी करना है। हमें कुछ नहीं चाहिए, हम दोनों ना हुकूमतों पे भेज रहे हैं, दोनों हुकूमतों को, इमरान खान की भी जब तक रही है हमें सुकून नहीं मिला, अब शहबाज शरीफ की रही है हमें सुकून नहीं मिला, हम तो सिर्फ भेज सकते और कुछ नहीं कर सकते। आपा कैसे सारा दिन बच्चों को संभालती है खाना? देखे आप घर जाके कोई पानी नहीं है, यहाँ मस्जिद से जाके भरते हैं, वहाँ पे भी ताला लगा देते हैं कि पानी नहीं है भाई, पानी नहीं भरना, कह रहे कि भाई बस वजू वाले भी होते हैं, वजू वजू करना होता है सब ने, तो पानी ना भरे। कहाँ से भर के लाते पानी फिर? वहाँ दूर से मस्जिद है, वहाँ पूरी गली लाइन पे भी पानी नहीं आ रहा, काफी परेशान है, छोटे छोटे बच्चे भर के लाते हैं, मना कर देते, कह रहे पानी नहीं भरना, बस इतना की आवाज आ रही। दो गैलन से कैसे सारा घर चल सकता है? बच्चों ने नहाना भी होती है, खाने के लिए आपको बताया कि कोई मर जाए ना तो उसे पूछना पड़ता है, बेटा जी तो तू मरना ना पहले दस के मरी ताकि से पानी का इंतजाम कर ली, इससे बड़ी कोई बात नहीं है, तो पानी है ही नहीं कि सारा दिन हम मोटर लगाते घड़ी 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 बिल इतने बड़े आएंगे, ठीक है वो कौन भरेगा? हम लोग वासा का बिल कौन भरेगा? हम लोग सारा टैक्स हमारे आंत्रों में से निकालते हैं, हमारे खून की नलियां निकाल निकाल के ना भरते हैं, सब टैक्स भरते हैं, तो हमें कुछ भी नहीं मिलता, ना पानी ना बिजली, महंगाई वो आसमान को हाथ लगा रही है हमें, क्या आजकल तो लाइट भी बहुत ऑफ हो रही है, जा रही है लाइट, बच्चे बाबा जार परेशान, ये छोटा सा मेरा बेटा है ये पानी भर के लाता। बेटा आपका क्या नाम है? मेरा नाम अजान अली है। क्या है? अजान अली। अजान अली कितनी बार पानी भरने जाते हो? मैं जब मम्मा कहती हूं। आप लोग भी जाते हो? हाँ जी। कौन कौन बच्चा पानी भर के लाता है? हम पांच बार जाते हैं, शर्म आ रही है, वो वहाँ से लेके आते हैं। कहाँ से लाते हो? मस्जिद से पानी भर के लेके आते, फिर भी आप भी पानी भरने जाते हो? कितनी बार? हम पांच छह दफा लेके आए, पानी एक भी नहीं है, और जितने भी कुर्सी पे बैठे ना सब कंजूस ही हैं, और पानी की भी इतनी कमी, और घर भी देखे ऊपर से गलियां भी टूटी हुई हैं, ना पानी आ रहा, बिजली इतनी जा रही है। क्या नाम है बेटा आपका? रोशा। मेरा तो नाम ही लिया आपने। क्या नाम है आपका? मैं अनम रोशा दीदी। अच्छा अनम है, आप कौन सी क्लास में? मैं अभी पढ़ रही नहीं। पढ़ नहीं रहे? ये मैं भाई पढ़ रही। स्कूल नहीं जाते? नहीं। क्यों? मेरे पापा फोत हो गए ना, इसलिए घर पर किराया भी टेंशन होती है, और किराया दें या पढ़ें और बच्चों की बातें सुन लें कि गलियां टूट गई हैं, पानी इनको नहीं मिल रहा, छोटे छोटे से बच्चे हैं, और यकीन जानिए कि इन परेशानियों में, इन मामलात में उलझे हुए हैं कि उनको ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरियात ही मुयस्सर नहीं है। और मैं इस वक्त बिल्कुल मुल्तान रोड के साथ ही ये गली है जहाँ पर मौजूद हूँ, कोई लाहौर से बहुत दूर दराज के इलाके में मौजूद नहीं हूँ, बल्कि लाहौर के मेन एरिया मुल्तान रोड से इकबाल टाउन से मुलहिका ये इलाका है जहाँ पर ये सारी सूरत हाल है। आवाम की परेशानी, आवाम की चीखें, आवाम की दुहाइयाँ आपने सुन ली है, और ये दुख है, ये परेशानी है जो हर रोज़ ये बर्दाश्त करते हैं, सुबह दोपहर शाम ये लोग बर्दाश्त करते हैं।